हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल की मॉक में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे आपसे एमआई मैक्स 3 के स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो भी लीक्स निकल के आई है, और साथ ही साथ में उसके ग्लोबल लॉन्च इवेंट के बारे में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को पूरी लास्ट तक जरूर देखिएगा, और हाँ, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। Xiaomi इज होल्डिंग अ ग्लोबल लॉन्च इवेंट एट शेंजन चाइना, जहाँ पे उसने बहुत सारे मल्टीपल डिवाइसेस को उसने ग्लोबली लॉन्च करने का सोचा हुआ है, और साथ ही साथ में मैड्रिड स्पेन में भी उसने एक और जो है 24 जुलाई को उसने ग्लोबल लॉन्च रखा है, जहाँ पे वो बहुत सारे ऐसे उसके फोन्स हैं जो कि चाइना में रिलीज हो चुके हैं, उनको भी वो ग्लोबली लॉन्च करेगा। तो वी होप कि देयर आर लॉट्स ऑफ फोन्स विच आर गोइंग टू गेट लॉन्च, और उसी में से एक ऐसा फ़ोन है जिसका नाम है एम आई मैक्स 3। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अवेटिंग फ़ोन टिल नाउ। और दोस्तों, अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन की बात कर दूँ तो ये फ़ोन रजिस्टर्ड हुआ था टीना में। टीना एक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी डेटा बेस है चाइना की। तो यहाँ पे ये फ़ोन एक्चुअल में रजिस्टर हुआ था, वहाँ पे लिस्ट होने के बाद में जो इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन निकल के आई थी, मैं वो स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको डिटेलली थोड़ा बहुत बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग इसके प्रोसेसर की बात कर लें तो दोस्तों ये आ रहा है स्नैपड्रैगन 636 के साथ में। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ में व्यूबू यानी कि जो चाइना की जो सोशल वेबसाइट है, वहाँ पे ये एक और लीक निकल के आई थी कि एक और वेरियंट होगा इस पर्टिकुलर फ़ोन का, यानी एम आई मैक्स 3 का। उसका जो है नाम होगा एम आई मैक्स 3 प्रो, और वो वाला वेरिएंट होगा स्नैपड्रैगन 710 के साथ में। तो दोस्तों, ये तो था प्रोसेसर के बारे में। यहाँ पे अगर हम इसके कैमरे की बात कर ले तो यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा मिल जाएगा, साथ ही साथ में आपको यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। तो दोस्तों, एक और चीज़ मैं बता दूँ कि बहुत सारे ऐसे लीक्स हैं जो कि ये कन्फर्म कर रहे हैं कि भाई ये आयरिस स्कैनर के साथ में आएगा, जो मुझे नहीं लगता कि ये आयरिस स्कैनर के साथ में आएगा, क्योंकि अगर ये लोग आयरिस स्कैनर लेकर के आते हैं तो भाई उसकी प्राइस थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। लेकिन हाँ दोस्तों, ये क्विक चार्ज के साथ में आएगा, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों क्योंकि ये एम आई मैक्स है तो ऑब्वियस ही बात है भाई, इसकी जो स्क्रीन है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, डेट मीन्स कि उसको ज़्यादा बैटरी की जरूरत होगी, तो बड़ी बैटरी लगी होगी तो भाई इसको क्विक चार्ज तो बनता ही है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लीक्स हैं जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये क्विक चार्ज 3 के साथ में आएगा। और हाँ दोस्तों, अगर हम इसकी स्क्रीन की बात कर लें तो यहाँ पे आपको 6.99 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले में आपको मिल जाएगा, जो कि 18:9 के रेशियो में होगा। मतलब कि यहाँ पे आपको कोई नॉच पॉच का कोई भी ना झमेला नहीं आपको मिलेगा, सिंपली आपको 18:9 एस्पेक्ट रेशियो का एक आपको सिंपल सा फोन आपको मिलने वाला है, जो कि आपका 6.99 इंच का होगा, यानी कि फुल एचडी प्लस डिस्प्ले होगा। साथ ही साथ में ये आपका एंड्रॉयड ओरियो के साथ में आएगा और MIUI 10 के साथ में आएगा। और हाँ दोस्तों, अगर हम लोग इसकी बैटरी की बात कर लें तो इसमें आपको मिलेगी 5400 mAh की बैटरी, और अगर हम इसको प्राइस की बात कर लें दोस्तों तो ये आने वाला है 17,700 रुपये के आसपास का। तो मतलब कि भाई ये फ़ोन लगभग MIA2 के बराबर में ही जाएगा, लेकिन इसका प्रोसेसर क्या पता अगर 710 निकाल दें तो भाई मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप इसी फ़ोन के साथ में जाएगा, और अगर स्नैपड्रैगन 636 के साथ में आता है तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि भाई ये आप MIA2 के साथ में जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो पर्टिकुलर लीक हो गई इस पर्टिकुलर फ़ोन के बारे में। तो ये फ़ोन जहाँ तक की लॉन्च हो सकता है 24 जुलाई से पहले पहले या 24 जुलाई को। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ कि ये बेसिकली 3 वेरिएंट में आएगा, 3GB रैम, 4GB रैम एंड 6GB रैम। 3GB रैम के साथ में आपको मिलेगा 32GB का स्टोरेज, 4GB और 6GB रैम के साथ में आपको मिलेगा 64GB का स्टोरेज। और हाँ दोस्तों, साथ ही साथ में ये भी चांसेस हैं कि ये आपको साथ ही साथ में डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट भी दे दे, क्योंकि इन लोगों को भी पता होता है कि जो बड़ा डिवाइस होता है उस पर लोग ज़्यादातर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, तो इसीलिए क्या पता ये लोग एक डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट आपको दे दें। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ होगी देखने के लिए। तो दोस्तों, जब भी ये फ़ोन लॉन्च होगा हम उसकी फुल स्पेसिफिकेशन के साथ में एक फुल रिव्यू लेकर के आपके लिए आ जाएंगे इस पर्टिकुलर चैनल पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, और हाँ, ये अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो प्लीज़ गिव अस अ लाइक एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, डेट वॉज ऑल फ्रॉम द की मॉक।